बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में स्मगलिंग करने की कोशिश की गई है जो कुछ नशा और गोलियाँ। अक्सर ये न्यूज़ ये वीडियो सामने आती रहती हैं, मैं अक्सर शेयर नहीं करता क्योंकि मैं बोलता हूँ ऐसी न्यूज़ क्या शेयर करूँ, लेकिन आज मैं खुद से हैरतज़दा हुआ हूँ। आपको साथ में एक पिक्चर दिखा रखा हूँ मैं। पहले आपको ये बता दूँ, आपको पता ही हम पाकिस्तान इंडिया वगैरह से सफ़र करते हैं ना जब सऊदी अरबिया का, तो अभी तो भाई आपको पता ही निस्वार भी ममनू है, सिगरेट भी ममनू है, खसकास जिसे बोला जाता है। अच्छा, खसकास वो है जी जो पंजाब में अक्सर इस्तेमाल होती है, लोग सरदाई वगैरह बनाकर उसकी पीते हैं। तो आम रूटीन के मुताबिक पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होती है, लेकिन सऊदी अरब में भी हालांकि आप निस्वार और सिगरेट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी ममनू कर दी गई हैं क्योंकि ये नशे में शुमार होती हैं, वो बोलते हैं। तो बहरहाल सिगरेट के मुतल्लिक आपको पता ही कुछ उसकी तादाद मखसूस की गई है कि आप एक डंडा है यानी कि 10 पैकेट हैं या 20 पैकेट हैं इतने लेकर जा सकते हैं। निस्वार बिल्कुल ममनू है जी, निस्वार मत लेकर जाइएगा, और अभी ना खसकास ऐसी कोई भी चीज़। और अगर आप कोई भी किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह के मुतल्लिक यानी कि नशावर चीज़ लेकर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर सऊदी अरब कानून के मुताबिक आपको पता है जी गर्दन तन से जुदा कर दी जाती है। तो अभी ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको साथ में पिक्चर दिखा रखा हूँ, आप देखते जाएं। ये एक काफ़ी हैरत मुझे इस चीज़ के ऊपर हुई है। 3.3 मिलियन ये गोलियाँ, ये फितमिन नामी गोलियाँ होती हैं जी, ये सिर्फ दिमागी सुकून के लिए इस्तेमाल, यानी कि सिंपल लफाज में अगर बात करें तो ये नशावर गोलियाँ हैं जी। ये स्मगलिंग करने की कोशिश की गई है, और देख लें आप ये इसको आप लेमन बोल सकते हैं, नींबू बोल सकते हैं हमारी ज़ुबान में, हमारे तो यहाँ पर बाग लगे हुए हैं, तो ये लेमन होता है। लेमन के देख लें, ये अंदर रखी गई, ऊपर लेमन का खोल जो है वो लगाया गया, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है पकड़े गए हैं जी अभी, तो इनको मेरे हिसाब से क्या सऊदी अरब कानून के मुताबिक इनको सजाए में होती है जी, क्योंकि सऊदी अरब में कोई भी किसी किस्म की नशा और चीज़ ले जाते हुए, और ख़ासकर जैसा कि ये है जी 3.3 मिलियन गोलियाँ, तो इनकी तो भाई गर्दन फिर उतरेगी। तो जो भाई यहाँ से सफ़र करते हैं सऊदी अरब का, खासकर न्यू वीज़ा वाले, अपनी एहतियात कीजिए, किसी से भी कोई भी किसी किस्म की चीज़ मत लीजिए। और अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, मैं वाशरूम से होकर आ रहा हूँ, उसको बोल भाई अपना बैग अपने पास रख दूँ, मैं इसका भी जिम्मेदार नहीं हूँ।